हेलो एवरीवन, मैं इंद्राणी निर्मलकर कंपटीशन कम्युनिटी के इस एफटीआर सीरीज में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं साइंस, साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। तो आज की क्लास फिजिक्स को लेकर है, जिसमें हम उन सारे टॉपिक से क्वेश्चन डील करेंगे जहां से सीजीपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं या पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पूछा गया है नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, या फिर विच पार्ट ऑफ द आई इज डोनेटेड एट द टाइम ऑफ आई डोनेशन। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं रेटिना के, कॉर्निया, आयरिश या फिर पुतली के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रिवील करने से पहले चलिए हम ह्यूमन आई या फिर मानव नेत्र को समझते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है एक ह्यूमन आई या फिर मानव नेत्र। देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक दिखाई दे रहा होगा आपको कॉर्निया का, आई मसल। कौन सा पार्ट कहाँ पे स्थित है और किस पार्ट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी को हम अभी डील करेंगे। एक्वस ह्यूमर, ये जो लिक्विड यहाँ पे स्थित है उसे नाम दिया गया है एक्वस ह्यूमर का। आयरिश कहाँ स्थित है, ये जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है उसे नाम दिया गया है आयरिश का। प्यूपिल, लेंस, विट्रस ह्यूमर और रेटिना, इन सारे पार्ट से लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कौन सा पार्ट का क्या काम है। शुरुआत हम करेंगे सबसे बाहरी हिस्से से, बाहरी हिस्सा जिसका नाम है कॉर्निया का। तो यहाँ इमेज में देखिए, ये ह्यूमन आई का जो सबसे बाहरी हिस्सा स्थित है उसे नाम दिया गया है कॉर्निया का। कॉर्निया सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है जो मानव नेत्र में पाया जाता है। इस कॉर्निया की तुलना आप मोबाइल के जो टेम्पर्ड ग्लास लगाया जाता है उससे कर सकते हैं। डिस्प्ले को सुरक्षित रखने के लिए टेम्पर्ड ग्लास लगाया जाता है मोबाइल के ऊपर। सेम उसी तरह से ह्यूमन आई में भी एक बाहर से ग्लास लगा होता है, उस ग्लास को नाम दिया जाता है मानव नेत्र के कॉर्निया के रूप में। आंख में जो प्रकाश है वो एंटर करता है कॉर्निया से होकर। कॉर्निया से होकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कॉर्निया से रिलेटेड कि मानव नेत्र में कौन सा पार्ट है जिसको नेत्रदान के समय दिया जाता है। तब आपका आंसर होता है कॉर्निया का, यानी आई डोनेशन के टाइम पे इसी पार्ट को ही डोनेट किया जाता है या कॉर्निया को ही दान में दिया जाता है। ठीक है, दो चीजें आपको कॉर्निया से ध्यान रखनी है, कौन कौन सी। ये सबसे बाहरी हिस्सा होता है। यहाँ इमेज में देखिए कॉर्निया की स्थिति कहाँ पर है, सबसे बाहरी हिस्से में है आंख के। कॉर्निया से होकर ही प्रकाश आंख में प्रवेश करता है और कॉर्निया को ही दान दिया जाता है नेत्रदान में। ठीक है, अब इसके अगले पार्ट में चलते हैं जिसका नाम दिया गया है एक्वस ह्यूमर का। एक्वस ह्यूमर, तो जैसा कि एक्वस यानी ये किसी लिक्विड को ही इंडिकेट कर रहा है, लिक्विड यानी इस पर द्रव उपस्थित है। तो ये द्रव ऐसा द्रव है जो आंख के 20% हिस्से को कवर करता है। ठीक है, इमेज में देखते जाइए, ये आंख के 20% हिस्से में ये द्रव जो है पाया जाता है। और इस द्रव की क्वालिटी क्या होती है, ये द्रव होता है नमकीन द्रव होता है। ठीक है, ये जो एक्वस ह्यूमर आंख में मौजूद है, कॉर्निया के पीछे वाला हिस्सा, ये कैसा द्रव होता है, नमकीन द्रव होता है। एक्वस ह्यूमर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़कर हम अब आ जाते हैं आयरिश पे। आयरिश, आयरिश से आप एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि आंखों के रंगों का निर्धारण मानव नेत्र के किस पार्ट से होता है। तो इस नेत्र के रंग का निर्धारण आयरिश वाले पार्ट से होता है। ठीक है, मानव नेत्र का कौन सा रंग होगा इस चीज का निर्धारण कौन करता है, ये करता है आयरिश। आयरिश जो स्वयं तीन कलर में हो सकता है, ठीक है, वो कलर आप ध्यान रखेंगे, ब्लू कलर, ब्लैक और ब्राउन। मानव नेत्र का जो आयरिश वाला पार्ट है वो तीन रंगों का हो सकता है, कौन कौन से हैं, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। इन तीन रंगों के या इन अलग अलग तीन रंगों से ही मानव नेत्र के आंख का रंग जो है निर्धारित होता है। आयरिश जो है क्या काम रहता है आयरिश का, ये मानव नेत्र में जो लाइट एंटर करती है उसके अमाउंट को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम रहता है आयरिश का। ध्यान रखेंगे, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम किसका रहता है, तो वो आयरिश का रहता है। साथ ही आंखों के रंगों का निर्धारण आयरिश वाले पार्ट से ही होता है।
ये कौन कौन से रंग के हो सकते हैं? ब्लू, ब्लैक और ब्राउन, इन तीन रंगों के ये हो सकते हैं। आगे चलते हैं, प्यूपिल पर आ जाइए। प्यूपिल कहाँ पर स्थित है? तो जैसा कि आप आयरिश में देख पा रहे हैं, आयरिश ये पिंक वाले पोर्शन को नाम दिया गया है, और यहाँ पर ये जो आप ब्लैक कलर में छोटा सा एक पॉइंट देख पा रहे हैं, उसे नाम दिया गया है प्यूपिल का। अगर यहाँ पर हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करें, देखिए ये एक रफ डायग्राम मैं बना रही हूँ ह्यूमन आई का। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, इसे नाम दिया जाता है आयरिश का, ठीक है। और आयरिश के जो बीच में स्थित होता है एक छोटा पॉइंट, इसे नाम दिया जाता है प्यूपिल या पुतली का। प्यूपिल या फिर पुतली, आयरिश के बीच वाला जो पार्ट होता है, ब्लैक कलर का ये एक पार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, जो आयरिश है वो तीन रंगों के हो सकते हैं। वो रंग कौन कौन से हैं? ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। जबकि जो प्यूपिल है, जो आयरिश के बीच में स्थित होता है, वो केवल और केवल ब्लैक कलर का ही होता है, यानी काले रंग का ही होता है, ठीक है। ये इस इमेज से आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ ये वाले इमेज में दोबारा आइए, आयरिश यानी ये वाला हिस्सा और आयरिश के बीच में जो स्थित है उसे नाम दिया गया है प्यूपिल का। प्यूपिल हमेशा ब्लैक कलर में ही होता है, जबकि आयरिश तीन रंगों के हो सकते हैं। आयरिश का मेन काम क्या होता है? प्रकाश की जो मात्रा है उसको कंट्रोल करने का काम होता है आयरिश का। देखिए, जब लाइट ज्यादा होती है या प्रकाश एकदम ज्यादा होती है, जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं धूप का, ठीक है, धूप में लाइट ज्यादा होती है, उस स्थिति में क्या होता है, आयरिश जो है मैक्सिमम जब लाइट होती है, जब आंखों में तेज रोशनी पड़ती है, उस स्थिति में आयरिश जो है सिकुड़ जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, धूप की स्थिति में या मैक्सिमम लाइट की स्थिति में आयरिश कैसा होता है? आयरिश जो है सिकुड़ जाता है, सिकुड़ कर ये छोटा हो जाता है। यहाँ इमेज में आइए, जब लाइट ज्यादा होता है, क्योंकि इसका काम है अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करने का काम है, तो लाइट ज्यादा होने की स्थिति में आयरिश कैसा हो जाता है? आयरिश जो है सिकुड़ कर छोटा हो जाता है। और क्योंकि आयरिश से ही प्यूपिल भी कनेक्टेड है, इमेज में देखिए प्यूपिल यहाँ बीच में स्थित है, प्यूपिल भी आयरिश से कनेक्टेड है, तो प्यूपिल भी सिकुड़ कर तेज लाइट में छोटा हो जाता है, सेम एज आयरिश, ठीक है। आयरिश सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, और उसी तरह से प्यूपिल भी सिकुड़ कर तेज लाइट में छोटा हो जाता है। और सेम इसके अपोजिट होता है अंधेरे में या कम रोशनी में। कम रोशनी में क्या होता है, आयरिश जो है फैलता है, और इसके फैलने से प्यूपिल वाला पार्ट भी फैल जाता है। तो ये कम रोशनी, अधिक रोशनी, ये दोनों वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। आयरिश का काम होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना या लाइट को कंट्रोल करने का काम होता है आयरिश का, और आयरिश से ही मानव नेत्र के रंगों का निर्धारण होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही आयरिश तीन कलर में हो सकते हैं, कौन कौन से कलर? ब्लू, ब्लैक और ब्राउन में, जबकि आयरिश के बीच में जो प्यूपिल स्थित होता है, प्यूपिल केवल और केवल ब्लैक कलर का ही हो सकता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। कॉर्निया हमने पढ़ा, कॉर्निया सबसे बाहरी हिस्सा होता है आंख का, इसी से होकर लाइट एंटर करता है आंखों में। कॉर्निया के बाद हमने देखा है एक्वस ह्यूमर को, 20% लिक्विड जो है आंख का वो कंज्यूम करता है। एक्वस ह्यूमर जो एक नमकीन द्रव होता है, नमकीन लिक्विड होता है, उसी को नाम दिया जाता है एक्वस ह्यूमर का। एक्वस ह्यूमर के बाद हम यहाँ आ गए आयरिश में। आयरिश का काम होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का। तेज रोशनी की स्थिति में आयरिश क्या करता है? सिकुड़ जाता है। और क्योंकि प्यूपिल भी आयरिश का ही पार्ट है, उसी से ही कनेक्ट होता है, उसी के बीच में ही स्थित होता है, तो तेज रोशनी में प्यूपिल भी सिकुड़ जाता है, और इसके अपोजिट अंधेरे में या कम रोशनी में आयरिश फैलता है, और उसके साथ प्यूपिल भी फैलता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे आ जाते हैं लेंस में। लेंस से लेकर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है? तो आप ध्यान रखेंगे, इस लेंस का नाम होता है उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस इसमें पाया जाता है मानव नेत्र में। लेंस को लेकर केवल यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, मानव नेत्र में लेंस पाया जाता है उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का। आगे चलते हैं तो हमें मिलता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर जैसा कि यहाँ ऑरेंज कलर में आप देख पा रहे हैं, ये पूरा एक लिक्विड भरा हुआ है, ये 80% हिस्सा कवर करता है। दो ह्यूमर है, कौन कौन से हैं? एक है एक्वस ह्यूमर और दूसरा है विट्रस ह्यूमर, ठीक है। एक्वस ह्यूमर 20% हिस्सा कंज्यूम करता है आंखों का, जबकि जो विट्रस ह्यूमर है वो 80% हिस्से को कवर करता है।
ये पूरे 80% हिस्से को कवर किए हुए है। कौन? विट्रस ह्यूमर। आगे बढ़ते हैं तो मिलता है हमें रेटिना। रेटिना आंख के सबसे पीछे का भाग होता है, ठीक है, आंख के सबसे पीछे स्थित भाग होता है जिसे नाम दिया जाता है रेटिना का। मानव नेत्र में जो इमेज फॉर्मेशन होता है या जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो कौन से पार्ट में होता है? वो होता है रेटिना में ही, ठीक है। रेटिना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन आई का। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कौन से पार्ट में होता है? रेटिना में ही होता है। इस रेटिना पर जो इमेज बनता है या जिस इमेज का फॉर्मेशन होता है वो उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव नेत्र में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, तब आपको आंसर लेना होता है उल्टा और वास्तविक होने की, उल्टा और वास्तविक। इसे इंग्लिश में यदि देखें तो ये होता है रियल एंड इन्वर्टेड। दोनों आप ध्यान रखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड या फिर उल्टा और वास्तविक। रेटिना आंख के सबसे पीछे स्थित हिस्सा होता है, रेटिना पर ही इमेज फॉर्मेशन होता है। और ये इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है? तो इमेज बनता है उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, यानी रियल और इन्वर्टेड। लेकिन मानव तंत्रिका की जो कोशिकाएं रहती है वो मस्तिष्क तक, इन तंत्रिकाओं की मदद से मस्तिष्क तक ये सूचना पहुंचती है। और जो मानव मस्तिष्क है वो इतना पावरफुल होता है कि ये जो इमेज हमें उल्टी बनी होती है उस इमेज को सीधी हमें दिखाई देती है, ठीक है। मानव नेत्र के इतने ही पार्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और जितने फैक्ट मैंने बताए हैं केवल उतने ही फैक्ट आपको क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाएगा। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैंने क्या क्या बताया है? कॉर्निया हमने देखा है, कॉर्निया के बाद हमने डिस्कस किया है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर से बढ़कर हम आ गए हैं आयरिश पे। आयरिश को लेकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आंखों के रंगों का निर्धारण आंख के किस पार्ट से होता है, तब आपका आंसर होता है आयरिश का। प्यूपिल में हम आए, प्यूपिल के बाद लेंस को हमने जाना जहां पर कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। और कॉन्वेक्स लेंस की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि उस पर जो इमेज बनता है वो हमेशा उल्टा और वास्तविक, यानी रियल और इन्वर्टेड इमेज उसमें बनता है। फिर हमने देखा आंख के सबसे पीछे स्थित पार्ट को जिसका नाम है रेटिना। रेटिना पर होता है इमेज फॉर्मेशन और इमेज कैसा बनता है? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है जो तंत्रिका कोशिकाओं की सहायता से मस्तिष्क हमें उसका सीधा प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, या वो जो इमेज है वो हमें सीधी दिखाई देती है। इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, अब जो मानव नेत्र है उसकी तुलना फोटोग्राफिक कैमरे से की जाती है, ठीक है। तो मानव नेत्र के किस पार्ट की तुलना फोटोग्राफिक प्लेट के किस पार्ट से की जाती है, इसे लेकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं मानव नेत्र और जो फोटोग्राफिक कैमरा है इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं ये एक फोटोग्राफिक कैमरा है और वहां आप देख पा रहे हैं ह्यूमन आई को, ठीक है। अब इसमें सिमिलर क्या क्या चीजें हैं? नीचे टेबल बना हुआ है, टेबल में देखिए प्यूपिल की तुलना कैमरा के अपर्चर से की जाती है, ठीक है। प्यूपिल की तुलना कैमरा के अपर्चर से की जाती है। इसका काम क्या होता है? लाइट इसमें एंटर करता है, ठीक है। यहाँ टेबल में देखिए हाउ डज लाइट एंटर, तो कैमरा के अपर्चर की सहायता से कैमरा में एंटर करता है लाइट, जबकि प्यूपिल की सहायता से मानव नेत्र में एंटर करता है लाइट, ठीक है। नेक्स्ट है आयरिश। आयरिश पार्ट की तुलना ह्यूमन आई के आयरिश पार्ट की तुलना कैमरा के डायफ्राम से की जाती है, ठीक है। यहाँ भी आप सेम इमेज देख सकते हैं, कैमरा का जो डायफ्राम होता है उसकी तुलना आयरिश, जो हमने पढ़ा है रंगों का निर्धारण जिससे होता है, आयरिश की तुलना की जाती है कैमरा के डायफ्राम से, ठीक है। अगला देखिए रेटिना। रेटिना जिस पर की इमेज बनती है वो कैमरा के फिल्म से जिसकी तुलना की जाती है, ठीक है। व्हाट इंटरप्रेट्स द इमेज, तो उसमें आपको लेना है रेटिना और फिल्म का। इस टेबल में आप देख पा रहे हैं ह्यूमन आई और कैमरा में क्या क्या सिमिलैरिटीज होती है।
कैमरा के किस पार्ट की तुलना मानव नेत्र के किस पार्ट से की जाती है? एपर्चर की तुलना प्यूपिल से की जाती है, डायफ्राम की तुलना आयरिस से की जाती है, लेंस तो दोनों में लेंस है, ब्लैक पेंट और इसमें कोरोइड नामक एक द्रव उपस्थित होता है, कोरोइड द्रव की तुलना ब्लैक पेंट से यहाँ पर की गई है। ठीक है, हम उस पर नहीं जाते हैं, क्वेश्चन आपसे यहीं से बाहर बाहर से ही पूछा जाएगा, ज्यादा डीप नहीं जाना है। लेंस दोनों में उपस्थित होता है। ये तीन चीजें आप ध्यान में रखेंगे, किस पार्ट की तुलना किस पार्ट से की जाती है, प्यूपिल की तुलना अपर्चर से, आयरिश की तुलना डायफ्राम से, रेटिना की तुलना फिल्म से की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया था कि विच पार्ट ऑफ द आई इज डोनेटेड एट द टाइम ऑफ आई डोनेशन, और ऑप्शन हमें दिए गए हैं रेटिना के, कॉर्निया के, आयरिश के या प्यूपिल के। तो अब आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर होगा कॉर्निया, यानी नेत्रदान के समय मानव नेत्र का कॉर्निया वाला पार्ट जो है दान में दिया जाता है। देखिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो कॉर्निया वाला पार्ट है उसकी तुलना मोबाइल के टेम्पर्ड ग्लास से की जा सकती है। ठीक है, डिस्प्ले को सुरक्षित रखने के लिए जो सबसे बाहर में ग्लास लगाया जाता है जिसे टेम्पर्ड ग्लास कहा जाता है, जब टेम्पर्ड ग्लास जो है वो खराब हो जाता है, उसमें स्क्रैच आ जाते हैं, तो क्या करते हैं, दूसरा टेम्पर्ड ग्लास हम लगा देते हैं ताकि स्मूथली हम मोबाइल को यूज कर सके। सेम उसी तरह से जब किसी व्यक्ति के आंख में कोई समस्या होती है तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, कॉर्निया वाले पार्ट का दान दिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, नेत्रदान के समय किस पार्ट का दान दिया जाता है, कॉर्निया का दान दिया जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मानव नेत्र के आयरिश की तुलना फोटोग्राफिक कैमरा के किस भाग से की जाती है। ठीक है, अभी हमने सिमिलैरिटीज डिस्कस की है ह्यूमन आई और फोटोग्राफिक कैमरा की, उसी को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव नेत्र के किस हिस्से को पूछा गया है, मानव नेत्र के आयरिश की तुलना फोटोग्राफिक कैमरा के किस पार्ट से की जाती है। द आयरिश ऑफ द ह्यूमन आई इज कंपेयर टू विच पार्ट ऑफ द फोटोग्राफिक कैमरा। ठीक है, रिकॉल कर सकते हैं आप फोटोग्राफिक कैमरा के किस पार्ट की तुलना आयरिश से की गई है। विकल्प देख लेते हैं, विकल्प दिया गया है फिल्म का, डायफ्राम का, अपर्चर का या फिर लेंस का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डायफ्राम का, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। डायफ्राम की तुलना मानव नेत्र के आयरिश से की जाती है। मानव नेत्र में आयरिश का काम क्या होता है, मानव नेत्र में आयरिश का काम होता है जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करने वाली है उसको कंट्रोल करना या प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम होता है आयरिश का, और आयरिश से ही मानव नेत्र के रंगों का निर्धारण होता है। सेम यही प्रिंसिपल पे काम करता है कैमरा का डायफ्राम। कितने अमाउंट ऑफ लाइट को कैमरा में एंटर करने देना है या नहीं देना है ये कौन निर्धारित करता है, ये निर्धारित करता है कैमरा का डायफ्राम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकिरण प्रकारों में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी आपसे पूछी गई है, दिए गए विकिरण प्रकारों में से किस में होती है मैक्सिमम एनर्जी, दृश्य किरणों में, एक्सरे में, अल्ट्रावायलेट में या फिर इंफ्रारेड में। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, विजिबल रेज में, एक्सरे में, अल्ट्रावायलेट में या फिर इंफ्रारेड में, ये सभी क्या है, ये सभी रेडिएशन के टाइप्स हैं। इन दिए गए रेडिएशन के जो प्रकार आपको दिए गए हैं उसमें से मैक्सिमम एनर्जी किसमें होती है, इसे लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं या इससे रिलेटेड जो दो तीन और क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले ये वाली इमेज देखिए। ये वाली इमेज में आप एक क्रम ध्यान में रखेंगे, उस क्रम से आप उस क्रम को याद रख के दो तीन क्वेश्चन और जो इस रेडिएशन टाइप वाले से बनते हैं कि किसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है, किसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होती है, इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, आपको जो सीक्वेंस ध्यान में रखना है वो सीक्वेंस ये है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे रेडियो तरंगों का या रेडियो वेव्स का, फिर बारी आती है माइक्रोवेव की, इंफ्रारेड की, विजिबल रेस की, अल्ट्रावायलेट, फिर बाद में बारी आती है एक्सरे और गामा रे के। ठीक है, ये क्रम ध्यान में रखना है। यहाँ मैं हिंदी में लिख देती हूँ, देखिए यहाँ पर हिंदी में आप देख सकते हैं रेडियो तरंग, माइक्रो तरंग, इंफ्रारेड, दृश्य तरंग या दृश्य विकिरण, अल्ट्रावायलेट, फिर बारी आती है एक्सरे और गामा रे की।
केवल यही क्रम यही सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने, चाहे आपसे हाईएस्ट एनर्जी पूछी जाए, मैक्सिमम एनर्जी पूछी जाए या लीस्ट एनर्जी पूछी जाए, हाईएस्ट वेवलेंथ लीस्ट वेवलेंथ कुछ भी पूछा जाए, आप इसका क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है, रेडियो तरंग से लेकर आप केवल एक पॉइंट ध्यान रखेंगे और वो पॉइंट कौन सा है, रेडियो तरंग की जो वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य होती है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, रेडियो तरंग सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसी की होती है तो वो होती है रेडियो तरंगों की। ठीक है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है तो वो होती है रेडियो तरंगों की। अब बाकी जो चीजें हैं यानी एनर्जी हो गया और फ्रिक्वेंसी हो गया, इन्हीं तीनों से लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन से? एनर्जी और फ्रिक्वेंसी, एनर्जी फ्रिक्वेंसी और एक क्या बचता है, वेवलेंथ बचता है। ठीक है, यही तीनों से लेकर इस सीक्वेंस से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वेवलेंथ जैसा कि मैंने बताया हाईएस्ट होता है रेडियो तरंगों का, केवल यही चीज ध्यान रखिए, वेवलेंथ किसका हाईएस्ट होता है, रेडियो तरंगों का, जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। अब जो बाकी दोनों चीजें हैं, ऊर्जा और आवृत्ति, एनर्जी और फ्रिक्वेंसी, ये जो दोनों हैं वो कम होती है रेडियो तरंगों की। वेवलेंथ हाईएस्ट हो गई, एनर्जी और जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होती है, लो होती है। तो हाई किसकी होगी, हाई होगी गामा रेज की। इसीलिए मैंने कहा कि ये सीक्वेंस आप ध्यान में रखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए आप सभी क्वेश्चन का सही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस कौन सा है, रेडियो तरंग, फिर बारी आती है माइक्रो तरंग, इंफ्रारेड, दृश्य, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। रेडियो तरंग की वेवलेंथ सर्वाधिक होती है, एनर्जी और आवृत्ति दोनों लो होती है। लो होती है तो हाई किसकी होती है, हाई होती है गामा रेज की। अब जैसे मैंने बताया कि रेडियो तरंग की वेवलेंथ जो है हाईएस्ट होती है, मैक्सिमम होती है, यानी गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो हो जाएगी लो। ठीक है, इसका जो शुरुआत है, ये क्रम की मैं बात कर रही हूँ, ये जो शुरुआत है जिसकी वेवलेंथ हाईएस्ट हो रही है, तो लीस्ट किसकी हो रही है, लीस्ट हो जाएगी गामा रेज की। इसी सीक्वेंस में आप ध्यान रखेंगे तो बीच से उठाकर आपसे कुछ भी क्रम पूछा जा सकता है, हो सकता है इंफ्रारेड, दृश्य, अल्ट्रावायलेट, इन तीनों को अरेंज करने दे दिया जाए। ठीक है, या फिर शुरू के तीनों को अरेंज करने आपसे दे दिया जाए कि फ्रीक्वेंसी के क्रम में, बढ़ते क्रम में इसको अरेंज करना है, या फिर एनर्जी के क्रम में आपको अरेंज करने पूछा जा सकता है। तो केवल आप ये क्रम ध्यान में रखेंगे, फिर ये तीनों से लेकर आपसे जो भी क्रम में क्वेश्चन पूछा जाए आप उस क्वेश्चन को सही टिक करके आएंगे। ठीक है, रेडियो तरंग जिसकी हाईएस्ट वेवलेंथ होती है तो लीस्ट वेवलेंथ हो गई गामा रेज की, जबकि एनर्जी और फ्रिक्वेंसी के मामले में हाईएस्ट होता है गामा रेज और लीस्ट होता है रेडियो तरंग। यहाँ इमेज में भी उसी चीज को ही दिखाया गया है, ये जो तरंग दैर्ध्य है जो हाईएस्ट दिखाया गया है, यहाँ पर रेडियो तरंगों को लेकर इसमें दिखाया गया है। टेक्स्ट बहुत छोटा है, ये आपको हो सकता है दिखाई ना दे, यहाँ लिखा हुआ है लॉन्गर वेवलेंथ का, केवल आप यहाँ इमेज में देखिए, लॉन्गर वेवलेंथ यानी रेडियो तरंगों का दिखाया गया है, उसके बाद जिक्र किया गया है यहाँ माइक्रोवेव या माइक्रो तरंगों का, फिर यहाँ जैसे जैसे हम पीछे आते जाते हैं जहां पर गामा रेज दिखाया गया है, गामा रेज का शॉर्टर वेवलेंथ, हायर फ्रीक्वेंसी और हायर एनर्जी यहाँ पे दिखाया गया है। वही इमेज नीचे भी है, लॉन्ग वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो तरंगों की होती है, शॉर्ट वेवलेंथ में आपको दिखाया गया है गामा रे का। शॉर्ट वेवलेंथ उसके नीचे लिखा है हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी गामा रेज के लिए, लॉन्ग वेवलेंथ रेडियो का लो फ्रीक्वेंसी और लो एनर्जी होती है रेडियो तरंगों की। चलिए क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न विकिरण प्रकारों में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, किस में मैक्सिमम एनर्जी होती है। विकल्प दिए गए थे विजिबल रेस के, एक्सरे के, अल्ट्रावायलेट के या फिर इंफ्रारेड के। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो रेडियो तरंग होता है, रेडियो तरंग में एक ही चीज सबसे ज्यादा होता है और वो कौन सी चीज है, वो होती है वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्ध्य। यहाँ एनर्जी को लेकर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे दिए गए विकल्प में से गामा रेज को। यदि गामा रेज हमारे विकल्प में दिया गया है तो गामा रेज ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि गामा रेज ही है जिसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है। यदि हम उस क्रम को दोबारा से देखें
तो गामा रेस के बाद में जिसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है वो होती है एक्स रेस की। तो हम ऑप्शन पर वापस से आते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इसमें एक्सरे वाला विकल्प दिया गया है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्सरे वाला विकल्प हमें दिया गया है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा जिसमें हाईएस्ट एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्जन आपसे पूछा गया है किसका, 40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करके हमें बताना है फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू कितनी होती है। द फ़ारेनहाइट वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन पर देखते हैं, ऑप्शन हमें क्या क्या दिया गया है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें जानने के लिए क्या पहले जानना होगा कि दोनों स्केल में क्या रिलेशन होता है, तभी हम इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल पाएंगे। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इन दोनों पैमाने में क्या रिलेशन होता है, ये जानने के लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होता है। वो फॉर्मूला कौन सा है, वो फॉर्मूला होता है C अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाई 9 का, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, या फिर फ़ारेनहाइट को जब सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तब के लिए। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था C की वैल्यू दी गई थी, सेल्सियस की वैल्यू दी गई थी 40 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे वैल्यू दी गई है और उसको कन्वर्ट करके हमें बताना है फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पर हम C की वैल्यू 40 रखते हैं और देखते हैं क्या आंसर निकल कर आता है। ये 40 है, 40 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइड बाई 9, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। यहाँ पर अब हम इजीली निकाल सकते हैं F की वैल्यू। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, F की वैल्यू निकल कर आती है यहाँ पर 104, ठीक है। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर ये आंसर है हमारा। अब ये देखते हैं ऑप्शन में हमें ये कहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन हमें दिया गया है 100 डिग्री का, 75 डिग्री का, 104 डिग्री और 102 डिग्री का। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 104 डिग्री का। हमने अभी कैलकुलेट किया है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट ये किसकी वैल्यू होती है, जब सेल्सियस की वैल्यू दी गई हो हमें 40 डिग्री सेल्सियस को हमने कन्वर्ट किया है फ़ारेनहाइट में, तब हमारी वैल्यू निकल कर क्या आई है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ आपसे फ़ारेनहाइट में वैल्यू दे सकता है या फिर सेल्सियस में वैल्यू दे सकता है, किसी एक वैल्यू को आपसे पूछा जाएगा, कोई एक वैल्यू देकर तब आप इजिली दूसरे वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक प्रतीकों के साथ लेंस सूत्र दिया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल सिंबल। यहाँ पर आपसे लेंस फॉर्मूला को ही पूछा गया है। विकल्प आप देख पा रहे हैं, चार विकल्प आपको दिए गए हैं। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे ऐसे फॉर्म में लिखे हुए हैं, केवल इसे स्लैश के फॉर्म में आपको दिखाया गया है। ये फ्रैक्शन के ही फॉर्म में लिखे हुए हैं। पहला जैसे आप देख पा रहे हैं 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ लिखा हुआ है, और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। लेंस फॉर्मूला और जो मिरर फॉर्मूला है, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। लेंस फॉर्मूला में केवल आपको जो V वाला पार्ट होता है उसे सामने में रखना होता है और बीच में माइनस का चिन्ह रहता है लेंस के फॉर्मूले में। यदि हम मिरर फॉर्मूला की बात करें, ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला, जहां पर बीच में प्लस का साइन रहता है, लेंस फॉर्मूला में बीच में माइनस का साइन रहता है, साथ ही वी वाले पार्ट को हमें सामने लिखना होता है, ठीक है। माइनस के चिन्ह के साथ में वी वाला जो पार्ट है उसे सामने लिखना रहता है। यहाँ पर एफ क्या इंडिकेट करता है, एफ जो होता है फोकस दूरी को प्रदर्शित करता है, फोकस दूरी या फिर फोकल लेंथ इसे कहते हैं।
यू क्या होता है? यू होता है ध्रुव से वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित किया जाता है, ध्रुव यानी पोल, ठीक है। ध्रुव से वस्तु की दूरी जो होती है उसे प्रदर्शित किया जाता है लेटर यू से। वे किस चीज को इंडिकेट करता है? वे इंडिकेट करता है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी को इंडिकेट करता है वी। लेंस फॉर्मूला के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ये होता है लेंस फॉर्मूला। जबकि मिरर फॉर्मूले में बीच में प्लस का साइन रहता है, और प्लस के में तो कोई केस ही नहीं है, आप वी को पहले लिखिए या फिर यू को पहले लिखिए। केवल लेंस के फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है कि बीच में माइनस का साइन रहता है, वी वाला जो पार्ट है यानी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जो रहती है वो सामने में लिखाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दूसरे ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं, दूसरा हमको दिया गया था 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन वी का, तो यहाँ पर भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि जो वी वाला पार्ट है 1 अपॉन वी यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, इस वाले पार्ट को हमें माइनस के पहले लेना होता है। ऑप्शन सी दिया है 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू का। लेंस फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस होता है, जबकि ऑप्शन डी दिया गया था यू प्लस वी इज इक्वल टू एफ का। तो ये सारे विकल्प जो तीन दिए गए विकल्प हैं वे सारे रॉन्ग हैं, गलत हैं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ये जो उदाहरण दिए गए हैं इसमें से कौन सा उदाहरण ऐसा है जो संबंधित नहीं है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सही टिक करने के लिए आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन या क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है उसका बेसिक नॉलेज होना आपको जरूरी हो जाता है। यदि आपको उस क्वेश्चन का बेसिक नॉलेज है तब आप कोई सा भी विकल्प आपको दे दिया जाए आप उस बेसिक नॉलेज से उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या जरूरी है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका बेसिक जानकारी आपको मालूम हो, तभी आपको कोई भी विकल्प दिए जाए आप उसका सही आंसर ही टिक करके आएंगे। विकल्प पर आते हैं, विकल्प में दिया गया है जल में वायु के बुलबुले का चमकते हुए दिखाई देना या फिर शाइनिंग अपीयरेंस ऑफ एयर बबल्स इन वाटर, मरीचिका, तारों का टिमटिमाना या फिर हीरे का चमकना। ये जो चार उदाहरण हमें दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सा उदाहरण ऐसा है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन को सही करने के लिए उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है या उसकी बेसिक जानकारी हमें आनी चाहिए, तभी हमको कोई सा भी उदाहरण देकर पूछा जाए हम उसको सही टिक करके आएंगे। तो चलिए जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आप दो कंडीशन ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन ये है कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना अनिवार्य है, ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाएगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। दोनों चीज आप ध्यान में रखेंगे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में किसको जाना है? प्रकाश की किरण को जाना है, ठीक है। ये हो गया पहला कंडीशन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। दूसरी कंडीशन आप ध्यान में रखेंगे कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण का मान हमेशा क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होना चाहिए। दोनों कंडीशन तभी पॉसिबल होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जब ये दोनों कंडीशन को वो फॉलो करेगा। पहली कंडीशन क्या है? प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना है, और जबकि दूसरी कंडीशन है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन होगी तभी क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम या फिर डेंसर मीडियम उसे कहा जाता है जिसकी डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। यानी इसमें जो मैटर होते हैं या कण होते हैं वे पास पास में होते हैं या हाई डेंसिटी के होते हैं, तो उस मीडियम को कहा जाता है क्या? डेंसर मीडियम कहा जाता है। जबकि जो विरल माध्यम है जिसे रेयरर मीडियम कहा जाता है, यहाँ क्या होती है? यहाँ की डेंसिटी कम होती है, इसलिए इसे नाम दिया जाता है विरल या फिर
लो डेंसिटी के चलते इसे नाम दिया जाता है रेयरर या फिर विरल माध्यम का। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आप ध्यान में रखेंगे। ये दोनों कंडीशन किसके लिए है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। पहली कंडीशन क्या है? प्रकाश किरण को डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना है और जो ये आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। चलिए यहाँ इमेज में देखें, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ये हम समझेंगे। यहाँ पर मैंने वाटर वाला मीडियम शो किया है और ऊपर वाला मीडियम जो है वो एयर का है, यानी वाटर वाला मीडियम जिसकी डेंसिटी हाई होती है ये हो गया डेंसर मीडियम या सघन माध्यम, जबकि वायु जिसकी डेंसिटी लो होती है ये हो गया विरल माध्यम या फिर रेयरर मीडियम। ठीक है, दो कंडीशन मैंने बताई थी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए। पहली कंडीशन ये थी कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराना है, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। तो देखिए, ये हो गया डेंसर मीडियम और ये हो गया हमारा रेयरर मीडियम। ये जो लाइन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उसे इमेजिन करना है, लाइट है। ठीक है, लाइट के फॉर्म में उसे इमेजिन करना है। ये क्या है? प्रकाश की किरण है जो आपतित हो रही है किसी अभिलंब पर। अभिलंब पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है जिसे नाम दिया गया है इंसिडेंट रे का। जब ये आपतित किरण यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब ये प्रवेश करती है तो क्या होता है? पहली बात तो ये कि ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाती है और जैसे जैसे आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाते हैं वैसे ही क्या होता है, ये जो अपवर्तन कोण का मान है ये भी बढ़ता है। यहाँ इमेज में आप देखिए और इमेजिन कीजिए, जैसे ही हम इस लाइन को पकड़कर बढ़ाते जाते हैं ऊपर की ओर, 10, 20, 30, 40 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे हम इस आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये वाले पार्ट में क्या होगा, ये वाले पार्ट का मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में लाइट प्रवेश कर रही है, हो क्या रहा है, आपतन कोण का मान जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे ही अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जा रहा है। और एक स्थिति ऐसी आती है, वो स्थिति क्या है, मान लो लाइट की रे हम यहाँ पर है, यानी इस एंगल से हम लाइट की रे यहाँ पे डाल रहे हैं। उस स्थिति में क्या होगा, जब लाइट की रे यहाँ से हम यहाँ जब हम डाल रहे हैं उस स्थिति में हो सकता है ये एक पॉइंट पर आ जाए। वो पॉइंट कौन सा है, 90 डिग्री पर ये आ जाती है प्रकाश की किरण। तो इस स्थिति को नाम दिया जाता है क्रिटिकल एंगल या फिर क्रांतिक कोण का। आपतन कोण का मान जब क्या होता है, आपतन कोण को उस एंगल पे जब वो स्थिति आ जाती है जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस स्थिति को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल या फिर क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण की स्थिति में ही हमें प्राप्त होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति। अब देखिए, 90 डिग्री जब हमें ये स्थिति यानी ये लाइट अब यहाँ पर आ चुकी है, जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते गए तो एक स्थिति हमको ये मिली कि जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण का मान हमें 90 डिग्री प्राप्त हो चुका है। 90 डिग्री वाली स्थिति को नाम दिया गया है क्रिटिकल एंगल का। इस स्थिति में जो ये प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम में प्रवेश करने की बजाय वापस से सघन माध्यम में ही परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल की वह स्थिति जिसमें प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है, इस स्थिति को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, वापस से देखिए, जैसे जैसे हमने आपतन कोण का मान बढ़ाया वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता चला गया, और एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस स्थिति को नाम दिया जाता है क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल का। अब उसके बाद प्रकाश जो है वो विरल माध्यम में प्रवेश न करने के बजाय सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है, तो इस स्थिति को नाम दिया जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है, क्लियर है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, आपतन कोण जिसमें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जो है वो प्रवेश ना करे जबकि सघन माध्यम में ही वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
सेम इसी तरह से आप अपवर्तन का भी ध्यान रखेंगे, ये हमने अभी डिस्कस किया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। यहाँ बात हो रही है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन को लेकर। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर के गमन करने लग जाती है, ठीक है, यानी वो अपने मार्ग से भटक जाती है और गमन करने लग जाती है। इस स्थिति को कहा जाता है अपवर्तन का। इसके एग्जाम्पल जैसे आप ध्यान में रख सकते हैं जल में डूबी हुई परखनली का तिरछा दिखाई देना, ये सभी क्या है? एग्जाम्पल होते हैं रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन के। इसको लेकर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है या फिर अपवर्तन का उदाहरण है। तो जो तारों का टिमटिमाना होता है, ठीक है, तारे जो टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं वो होता है अपवर्तन या रिफ्रैक्शन के चलते। देखिए मेन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये होता है कि तारे से जो रोशनी आती है, हम तक जो रोशनी तारों से निकलकर पहुंचती है वो वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर के आती है, ठीक है। वायुमंडल की जो विभिन्न परतें होती है उन सभी की डेंसिटी अलग अलग होती है। डेंसिटी या घनत्व उन वायुमंडल की परतों का अलग अलग होता है, जिसकी वजह से प्रकाश का विचलन कभी अधिक दिखाई देता है या फिर कभी कम दिखाई देता है। तो यही कारण है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। किस प्रिंसिपल की वजह से? रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है तारों का टिमटिमाना रिफ्रैक्शन के चलते होते हैं, जबकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ये वाला कॉन्सेप्ट हमने उसके पीछे सीखा है। दो कंडीशन हमने देखी है, कौन कौन सी थी कंडीशन एक बार रिकॉल कीजिए। पहली कंडीशन ये थी कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना है, और दूसरी कंडीशन ये थी कि आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा उदाहरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित नहीं है, और उदाहरण हमें दिए गए थे जल में वायु के बुलबुले का चमकते हुए दिखाई देना, मरीचिका या फिर मिराज, तारों का टिमटिमाना, हीरे का चमकना या स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तो जैसा कि मैंने बताया कि अपवर्तन के चलते तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा उदाहरण संबंधित नहीं है ये से लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर सी, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है ना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और ये जो बाकी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जल में वायु के बुलबुले का चमकते हुए दिखाई देना, मरीचिका का बनना या फिर हीरे का चमकना, इन सभी के पीछे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो एग्जांपल है वो आप ध्यान में रख सकते हैं, जल में वायु के बुलबुले का चमकते हुए दिखाई देना, मरीचिका का बनना या फिर हीरे का चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबाई की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, शॉर्टेस्ट यूनिट यहाँ पे आपसे पूछा गया है, लेंथ की कौन सी होती है। विकल्प आपको दिए गए हैं नैनोमीटर, माइक्रोन, फर्मीमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम के। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप सही तभी कर पाएंगे जब इनकी वैल्यू आपको ज्ञात हो। तो जैसे नैनोमीटर की बात करें, नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10^-9 मीटर, इसे कहा जाता है 1 नैनोमीटर। माइक्रोन की वैल्यू होती है 10^-6 मीटर। फर्मीमीटर की यदि हम बात करें, फर्मीमीटर की वैल्यू होती है 10^-15 मीटर, जबकि एंगस्ट्रॉम कितना होता है? ये होता है 10^-10 मीटर। यहाँ पर क्या पूछा गया है? सबसे शॉर्टेस्ट यूनिट पूछा गया है। तो चलिए अब मैंने ये इनकी वैल्यू लिख दी है, अब आप बताइए इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10^-15, माइनस में सबसे छोटा होता है ये वैल्यू, 10^-15 मीटर जो है सबसे छोटी वैल्यू है। देखिए ये जो नैनोमीटर, माइक्रोन, फर्मीमीटर, एंगस्ट्रॉन, ये जितने भी ये यूनिट दिए गए हैं लेंथ के हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि ये यूनिट किसके दिए गए हैं? लेंथ के यूनिट दिए गए हैं। जब सबसे कम लंबाई को जब हमें नापना होता है या कम दूरी को नापना होता है तब इन यूनिट का प्रयोग किया जाता है, और इन यूनिट में भी सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? तो सबसे छोटी यूनिट है
थर्मामीटर की, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10^-15 मीटर होती है। अब इसका यूज क्या है, तो नाभिक के आकार को मापने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नाभिक के आकार को मापने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 10^-15 मीटर। और ये लेंथ की सबसे शॉर्टेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई होती है लेंथ की। लेंथ की बड़ी इकाइयों को लेकर भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं, तो बड़ी इकाइयों में आपने 3 इकाइयों का नाम सुना है, कौन कौन से हैं, पार्सेक, दूसरी इकाई आप ध्यान रखेंगे प्रकाश वर्ष। ये बड़ी दूरियों को नापने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली इकाइयां या फिर यूनिट है। ठीक है, प्रकाश वर्ष, और एक होता है खगोलीय मात्रक। ये 3 ऐसे यूनिट हैं जिनका यूज बड़े दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। कौन कौन से हैं, पार्सेक है, प्रकाश वर्ष है और खगोलीय मात्रक है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तब आपका आंसर क्या होगा इन्हीं तीनों में से, तब आपको आंसर लेना है पार्सेक का। ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी दूरी को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, पार्सेक का यूज किया जाता है। यदि हम इन तीनों का क्रम देखें तो पार्सेक, पार्सेक के बाद में बारी आती है प्रकाश वर्ष की। ठीक है, पार्सेक के बाद में बारी आती है प्रकाश वर्ष की और अंत में बारी आती है खगोलीय मात्रक की। बड़ी दूरी को मापने के लिए इन यूनिट या इन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं, पार्सेक है, प्रकाश वर्ष है और खगोलीय मात्रक है। पार्सेक का यूज क्या है, तो तारों की दूरी मापने के लिए पार्सेक का यूज किया जाता है। ध्यान रख सकते हैं, पार्सेक का यूज क्या है, तारों की दूरी मापने के लिए पार्सेक का यूज किया जाता है। क्वेश्चन हमको क्या पूछा है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, आंसर इसमें कौन सा था, थर्मामीटर लंबाई की सबसे छोटी इकाई है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10^-15 मीटर, इसकी वैल्यू होती है। यहाँ तक क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर का वजन है, द वेट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर का वजन क्या है, चलिए देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर हर जगह एक समान है, ऑप्शन बी कहता है ध्रुवों पर अधिकतम है, ऑप्शन सी कहता है भूमध्य रेखा पर अधिकतम है, जबकि ऑप्शन डी कहता है कि मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर अधिक है। बताइए ह्यूमन बॉडी का वेट कहाँ पर क्या है, ध्रुवों पर अधिकतम है, भूमध्य रेखा पर अधिकतम है, या फिर पहाड़ में चढ़ जाने से अधिकतम हो सकता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होता है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि मानव का जो मानव शरीर है, मानव शरीर का वेट पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग होता है। ठीक है, और ये बात किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है गुरुत्वीय त्वरण पर। किस पर डिपेंड करता है, गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर ये डिपेंड करता है कि ह्यूमन बॉडी का वेट किस स्थान पर क्या होगा। ये टर्म आप ध्यान रखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, इंग्लिश में इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसे स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है और इस स्मॉल जी की वैल्यू भी आप ध्यान रख सकते हैं। स्मॉल जी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस जी की वैल्यू होती है। ठीक है, इस गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है कि पृथ्वी के किस भाग में मानव शरीर का वजन कितना होगा। चलिए एक इमेज से इसे समझते हैं। यहाँ इमेज में देखिए, यहाँ पर मैंने एक पृथ्वी का रफ डायग्राम ड्रॉ किया है। इमेजिन कीजिए ये हमारी पृथ्वी है, जहां पर आप देख पा रहे हैं नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव को, और नीचे विस्तृत होता है हमारा साउथ पोल या फिर दक्षिणी ध्रुव। जो लाइन डिवाइड करती है इसको दो पार्ट में, उसे नाम दिया जाता है इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा का। अब ध्यान में ये रखना है, जी के मान को लेकर हमने ये ड्रॉ किया है ना, तो जी की वैल्यू कितनी कितनी होती है ये आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इक्वेटर से शुरुआत करते हैं। विषुवत रेखा पर जी का मान होता है 0 या फिर मिनिमम इसे कह सकते हैं। ठीक है, इक्वेटर या विषुवत रेखा पर जी की वैल्यू होती है 0 या फिर मिनिमम, जबकि ध्रुवों पर जो जी की वैल्यू है वो होती है मैक्सिमम। दोनों ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण सबसे कम होता है जबकि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, ध्रुवों पर
अधिकतम होता है और बीच में यानी जो हिस्सा डिवाइड करता है दो पार्ट में, इक्वेटर जिसे कहते हैं, यहाँ पर जे की वैल्यू होती है मिनिमम। ये इमेज आप माइंड में बैठा सकते हैं, ये इमेज से लेकर आप रिकॉल कर पाएंगे। जी की वैल्यू यहाँ पर जीरो होती है, जबकि नॉर्थ पोल या साउथ पोल में, पोल वाले पार्ट में मैक्सिमम होती है। एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर, पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पृथ्वी से चाहे हम ऊपर चले जाए चाहे हम नीचे आ जाए, अब ऊपर कहने से तात्पर्य ये वाले डायग्राम में ऐसा नहीं कि हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल में नीचे पहुंच गए हैं, नॉर्थ पोल में ऊपर पहुंच गए हैं, ठीक है। ऊपर या नीचे कहने से तात्पर्य जैसे कि पहाड़ों पर चढ़ना है, तो वहां पर चाहे हम ऊपर जाए चाहे पृथ्वी तल के नीचे आए, यहाँ पर जी की वैल्यू जो है वो घटती है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे, जी की वैल्यू ऊपर या नीचे जाने पर घटती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है मानव शरीर का वजन है, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो अब इसे एलिमिनेशन टेक्निक से हम सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि पृथ्वी की सतह पर हर जगह एक समान है, तो जैसा कि हमने ये वाले डायग्राम में देखा है कि पृथ्वी की सतह से चाहे ऊपर चले जाए चाहे नीचे चले जाए जी का मान कैसे होता है, जी का मान घटता है, ठीक है। तो ये वाले जो स्टेटमेंट हमको दिया गया है, ये स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर हर जगह एक समान नहीं है। कौन? मानव शरीर का वजन। क्यों हम इससे रिलेट कर रहे हैं, मानव शरीर का वजन एक समान क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिपेंड करता है गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर, और गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर या नीचे आने पर घटता है, ठीक है। अगला विकल्प दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, देखिए ध्रुवों पर अधिकतम होता है, मैक्सिमम एट दी पोल्स। हमने इमेज वाला रिकॉल कीजिए, हमने डायग्राम में क्या देखा है, जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है वहां पर जी का मान कैसे होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। इमेज देखिए, जी का मान कहाँ पे मैक्सिमम होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी पोल में, ध्रुवों पर जी का मान मैक्सिमम होता है। सेंटेंस हमारा सही हो चुका है, ध्रुवों पर अधिकतम होगा, क्यों? क्योंकि जी का मान अधिकतम होगा, ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा तो मानव शरीर का वजन ऐसे ही बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी क्या दिया है ये भी देख लेते हैं, भूमध्य रेखा पर अधिकतम, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जीरो होता है या मिनिमम होता है, तो मानव शरीर का जो वजन है वो वहां पर तो मैक्सिमम हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है कि मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर अधिक होता है, तो देखिए चाहे पहाड़ों पर चढ़ जाए या पृथ्वी के नीचे चले जाए जी के मान में कमी आती ही है, तो इस तरह से ये वाला जो ऑप्शन है ये भी रॉन्ग हो जाता है। तो सही क्या निकलता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है मानव शरीर का वजन, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे, इस इमेज को ध्यान में रखेंगे, तो आप बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी इससे बनते हैं ये आप सही करके आएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में से अवतल दर्पण का उपयोग कौन सा इसमें से नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन पर देखते हैं, सड़क या चौराहे पर लगी बत्तियों में परावर्तक के रूप में, टॉर्च या फिर सर्च लाइट में, ऑप्शन सी कहता है दाढ़ी बनाने में, जबकि ऑप्शन डी कहता है डॉक्टरों द्वारा कान गला आदि की जांच करने में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग दिए गए विकल्प में से कौन नहीं है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, सड़क या चौराहे पर लगी बत्तियों में परावर्तक के रूप में, ठीक है। ऑप्शन बी कहता है टॉर्च या सर्च लाइट में, ऑप्शन सी दिया गया है दाढ़ी बनाने में, जबकि ऑप्शन डी दिया गया है डॉक्टरों द्वारा कान गला आदि की जांच करने में। तो अवतल दर्पण का उपयोग इनमें से कौन सा नहीं है ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये ज्ञान होना आवश्यक है कि अवतल दर्पण का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कैसा है। तो चलिए इसको इमेज के माध्यम से हम समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कांच का एक गोला, ठीक है, एक कांच का एक ग्लास है, इमेजिन कीजिए, जिसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। दो पार्ट कौन कौन सा है, जो इसका उभरा हुआ भाग है जिसे नाम दिया जाता है उत्तल, उभरा हुआ भाग कहलाता है उत्तल, जबकि जो ये अंदर दबा हुआ भाग है उसे नाम दिया जाता है अवतल का, ठीक है, क्लियर है। उत्तल भाग कौन सा होता है, जो उभरा हुआ भाग होता है उसे नाम दिया जाता है उत्तल का, जबकि जो अंदर दबा हुआ धसा हुआ भाग होता है उसे नाम दिया जाता है अवतल का, क्लियर है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, ठीक है।
अब देखिए ये जो उभरा हुआ भाग है, जब यहां से हम लाइट इसमें एंटर करेंगे, प्रकाश की किरण जब यहां पर आएगी, तो इमेजिन कीजिए क्योंकि ये उभरा हुआ भाग है तो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी यहां से, ठीक है, लाइट यहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो जब हमको लाइट को रिफ्लेक्ट कराना हो या ज्यादा अमाउंट में लाइट चाहिए हो, उस स्थिति में हम यूज में लाते हैं उत्तल दर्पण का, ठीक है। उत्तल कहने से तात्पर्य क्या है, कॉन्वेक्स, और अवतल कहने से क्या तात्पर्य है, कॉनकेव। ये दोनों चीज ध्यान में रखेंगे, दोनों में कंफ्यूजन होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इस इमेज में देखिए उभरा हुआ भाग कहलाता है उत्तल या फिर कॉन्वेक्स का, जबकि जो अंदर दबा हुआ भाग है वो कहलाता है कॉनकेव या फिर अवतल का। अब बात हो रही थी कि प्रकाश के किरणों को जब हमें फैलाना हो या ज्यादा अमाउंट में चाहिए हो, ज्यादा अमाउंट में मतलब, ज्यादा अमाउंट में कहने से क्या मतलब है कि जब ज्यादा एरिया में हमें लाइट को कवर करना हो, ठीक है, उस स्थिति में हम यूज में लाते हैं उत्तल को। जबकि हमें किसी एक पॉइंट पर लाइट को फोकस करना हो, उस स्थिति में हम जो अंदर दबा हुआ जो हिस्सा है, देखिए यहां इमेजिन कीजिए लाइट को जब हम यहां से एंटर करवाते हैं तो ये क्या रिफ्लेक्ट होगा चारों हिस्से में, ये सिर्फ एक पॉइंट को ही इंडिकेट करेगा जिस पॉइंट पर हम लाइट को एंटर करवाना चाहते हैं, ठीक है, समझ आ रहे हैं। यहाँ पर लाइट को जैसे ही हम एंटर करवा रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर ही लाइट जो है एंटर करेगा जहां पर हम लाइट एंटर करवाना चाहते हैं, जबकि ये वाला जो उभरा पार्ट होता है यहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होता है। इसी कारण से उत्तल का, उत्तल दर्पण का एक और नाम है, वो नाम क्या है, क्योंकि ये लाइट या प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करती है, इसलिए इसे नाम दिया जाता है डाइवर्जिंग मिरर का, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करती है। हिंदी में यदि हम बात करें तो इसे कहा जाता है अपसारी, डाइवर्जिंग अपसारी, प्रकाश की किरणों को, क्योंकि ये फैलाने का काम कर रही है। अब आ जाते हैं अवतल दर्पण पर, ये क्या कर रही है, प्रकाश की किरणों को सिकोड़ने का काम कर रही है, इसलिए इसे कहा जाता है अभिसारी, अभिसारी या फिर कन्वर्जिंग। क्लियर है, ये वाली इमेज ध्यान में रखनी है, उभरा हुआ भाग है यानी उत्तल है, जबकि दबा हुआ भाग है तो ये अवतल है। प्रकाश की किरणों को जब हमें ज्यादा एरिया में फैलाना हो तब हम उत्तल दर्पण का यूज करेंगे, और इसी के चलते इसका एक और नाम दिया जाता है, वो है डाइवर्जिंग मिरर या फिर अपसारी दर्पण का। जबकि अवतल दर्पण जो है वो लाइट को कन्वर्स करने का काम करती है, सिकोड़ने का काम करती है, इसीलिए इसे कहा जाता है अभिसारी या फिर कन्वर्जिंग मिरर। दोनों नाम आप ध्यान में रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलिए इसके उपयोग में आते हैं। तो जैसा कि अवतल दर्पण, किसी एक पॉइंट पर यदि हमें प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है उस स्थिति में हम उपयोग में लाते हैं, तो एक पॉइंट पर प्रकाश की आवश्यकता हमें कब हो सकती है, वो हो सकती है दाढ़ी बनाने के समय, ठीक है, दाढ़ी बनाने के समय ये आवश्यकता महसूस होती है। दूसरा, डॉक्टरों को जब कान नाक गला इन सभी के इलाज जब आवश्यकता होती है तब वो कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, वो यूज में लाते हैं अवतल दर्पण का। एक और एग्जांपल आप ध्यान में रखेंगे, वो है सर्च लाइट का, ठीक है, सर्च लाइट हो गया, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण, और डॉक्टरों द्वारा कान नाक गला की जब इलाज करना हो तब यूज में लाया जाता है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अवतल दर्पण का उपयोग इनमें से कौन सा नहीं है। तो मैंने कौन कौन से अभी उपयोग बताए हैं, टॉर्च या सर्च लाइट है, दाढ़ी बनाने में वाइल शेविंग, जबकि डॉक्टरों द्वारा कान गला आदि की जांच करने में, इन तीनों उपयोग में यूज किया जाता है अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सड़क या चौराहे पर लगी बत्तियों में परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए उत्तल दर्पण क्योंकि वो उभरा हुआ होता है, लाइट को वो फैलाने का काम करता है, और सड़क में, सड़क जैसे है,
इस पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इसी पॉइंट पर ही रोशनी आएगा, बाकी पूरा सड़क अंधेरे में रहेगा। सभी पॉइंट पर हमें रोशनी चाहिए ना, सभी सड़कें जो है वो रोशनी दिखनी चाहिए। तो सेम यही प्रिंसिपल याद रखना, यहाँ पर उत्तल दर्पण काम में लिया जाएगा, ना कि अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया को लेकर आपको आपसे पूछा गया है कि इसके निवारण के लिए किसे काम में लिया जाता है। देखिए, हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष, ये दोनों नाम आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में दूरदृष्टि दोष ना पूछकर आपसे हाइपरमेट्रोपिया ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो चाहे हाइपरमेट्रोपिया कहे या फिर दूरदृष्टि दोष कहे, दोनों क्या है, दोनों एक ही हैं। अब बात आती है कि इसे याद कैसे रखा जाए। दूरदृष्टि दोष या फिर निकट दृष्टि दोष में पास की चीजें दिखाई देती हैं या दूर की चीजें दिखाई देती है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष में आपको पकड़ना है दूर, और उस टर्म को पकड़ना है जो दिखाई देती है। ठीक है, दिखाई देने वाले पार्ट को आपको पकड़ना है। इसमें दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं स्पष्ट रूप से दूरदृष्टि दोष में, जबकि निकट वस्तुएं जब दिखाई नहीं देती हैं, ये दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तब ऐसे दोष को कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, जो दिखाई देती है वो वाला टर्म आप पकड़ेंगे। इसमें मेंशन किया गया है दूर, यानी दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, पास की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का इसमें पूछा गया है निवारण कौन सा है। इसमें से दिए गए विकल्प में से उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है, अवतल दर्पण है, या फिर अवतल लेंस है। इंग्लिश में देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव मिरर है, या फिर कॉनकेव लेंस है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है उत्तल लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कॉन्वेक्स लेंस या फिर उत्तल लेंस जो है प्रयोग में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, यानी केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करने वाले उपकरण को पूछा गया है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऐसा कौन सा उपकरण है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। विकल्प आपको दिए गए हैं बैटरी, मोटर, जनरेटर या फिर हीटर के। देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाला सेक्शन आप विशेष रूप से कवर करके जाएंगे, किस फॉर्म की एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है या किस डिवाइस की हेल्प से ऐसा किया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे बैटरी का काम क्या होता है। बैटरी में ऊर्जा क्योंकि संचित होती है, तो यहाँ पे किस फॉर्म में ऊर्जा संचित होती है, तो वो होती है केमिकल फॉर्म में। इसमें केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सेल लगाते हैं ना हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, तो बैटरी में क्या प्रिंसिपल होता है, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल या विद्युत एनर्जी में। अगला विकल्प दिया गया है मोटर का। मोटर को पहले हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तब ये काम करना स्टार्ट करता है, और काम करना जब ये स्टार्ट करता है तब हमें एनर्जी देता है ये मैकेनिकल फॉर्म में। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, किसमें, डिवाइस का नाम ध्यान रखेंगे, मोटर में। अब आ जाते हैं जनरेटर में। जनरेटर अपोजिट होता है मोटर का, यानी पहले इसमें मैकेनिकल एनर्जी का इनपुट देना होता है, उसके बाद में ये हमें प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, मोटर और जनरेटर दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं, किसी एक का आप ध्यान रखेंगे। मोटर क्या करता है, सबसे पहले इसको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, उसके बाद में ये कार्य करता है, और कार्य करने के पश्चात उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, और जस्ट इसके अपोजिट जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब आ जाते हैं हीटर पर। ध्यान दीजिए, हीटर में क्या होता है, हीटर को पहले रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। स्विच ऑन करने से ही हीटर ऑन होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। उस हीटर की इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही उस हीटर को मिलती है, वो एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में, ऊष्मीय रूप में वो हमें एनर्जी देता है या प्रदान करता है। क्लियर है। चलिए देखें यहाँ पर बैटरी क्या है। बैटरी केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है।
मोटर का क्या काम है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जबकि जनरेटर मोटर के जो जस्ट अपोजिट काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में, जबकि जो हीटर है वो विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है ऊष्मीय ऊर्जा में। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस का नाम आपसे पूछा गया है। रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है बैटरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बैटरी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, या फिर हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है हाइड्रोजन बम? विकल्प पर आते हैं, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। कंफ्यूज नहीं होना है, एक है फ्यूजन के लिए, दूसरा है फिजन के लिए। फ्यूजन में पूछा गया है कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड का, सेम वही ऑप्शन दिए गए हैं आपको फिजन के लिए, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड का। आपको बताना है हाइड्रोजन बम इनमें से किस प्रिंसिपल पर काम करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन को हम समझते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जब दो हल्के नाभिक आपस में जॉइंट होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ ही ज्यादा अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी निकलती है। तो इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है नाभिकीय संलयन का। ठीक है, नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन में दो हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। ये प्रक्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन की। पूछा गया था हाइड्रोजन बम के प्रिंसिपल को लेकर, हाइड्रोजन बम किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो आपको आंसर लेना होता है नाभिकीय संलयन का। नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। अब यहाँ पर दो कंडीशन आपको दी गई है, एक पूछा गया है नियंत्रित के लिए और दूसरा आपसे पूछा गया है अनियंत्रित के लिए। तो अब इस स्थिति में आपको आंसर लेना होता है अनियंत्रित के लिए। ठीक है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है हाइड्रोजन बम। ध्यान में रखना है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है हाइड्रोजन बम, इसीलिए ये बहुत ज्यादा ही विध्वंसकारी इसे माना जाता है। क्या है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया या फिर अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है हाइड्रोजन बम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। संलयन होता है हल्के नाभिकों का, एनर्जी निकलती है मैक्सिमम अमाउंट में और एक भारी नाभिक का निर्माण होता है जिसके साथ ही ऊर्जा भी मुक्त होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको आगामी परीक्षा के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।